Let's move ahead to the so, हाँ पे एक uh, नॉर्मल पोकीमॉन <laughs> बनाया जो कि हमारा बलबसॉर नाम से अगर आपने पिकाचू वगैरह देखे हुए हैं आपको पता है क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे नाइन्टीज में आता था ये नाइन्टीज 2000, में नहीं टू थाउजेंड अर्ली टू थाउजेंड्स मेंश वाला शो पिकाचू का आप, आपका गेम भी चला था बीच में राइट जिसमें पोकीमॉन पकड़ रहे होते थे काफी क्रेज चला था उसका भी सो चलिए ये बातें हटके में आगे बढ़ते हैं सो स्टैटिक मेथड मैंने बनाया हुआ एम वन ठीक है मैंने इसमें स्टैटिक अब देख सकते हो स्टैटिक मेथड है तो स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर पा रहा है ठीक है नॉर्मल सी बात है वही और अगर हमारा स्टैटिक वेरिएबल अगर यहाँ हटाता तो देखिए कंपाइलेशन एरर आ जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल मेथड नॉर्मल पुख्यमान को एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा आई थिंक इसका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ राइट अभी हमने दूसरा तीसरा एग्जाम्पल देखा था तो वो दोबारा आ गया रन करूंगा तो देखिए वही आउटपुट आएगा कि दिस कैन नॉट बी यूज इन स्टैटिक कॉन्टेक्ट एक तरीके से क्योंकि ये देखिए वो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक स्टार्टिकॉन्टेक्सट नॉन रे स्टार्टिंग है इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल so, है अगर हम इसको एम को कॉल कर रहे हैं देखिए स्टार्टिंग मैथन डायरेक्टली कॉल किया तो ये कॉल होगा आउटपुट आ जाएगा स्टार्टिकला पोकीमॉन दट इज योर बल्बस सॉफ्ट प्रिंट हो जाने वाली है वैल्यू ओ सॉरी अगर हमने एम वन कॉल किया सो दिस इज कॉलिंग द स्टार्टिक पोकीमॉन ओके स्टार्टिक पोकीमॉन कॉल कर रहा है स्टार्टिकोकमॉन में पिकअू की वैल्यू थी so, सो गाइज हेर इज द एक्जाम्पल फोर टू शो कि आप यहाँ पे सुपर और दिस का यूज नहीं कर सकते हो राइट सो आई थिंक आई हैव मिस दिस सो मैंने इसलिए दोबारा से यहाँ पे ऐड एड करूं सो so देखिए गाइज यहाँ पे अगर मैं दिस डॉट नेम करता हूँ देखिए मैंने यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे नेम ऐड किया स्ट्रिंग नेम सो देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहेगा दिस की पे यहाँ पे इट के नॉट बी डेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको मैं बेहतर तरीके से जूम करके दिखा पाऊंगा जो आउटपुट ये कह रहा है ये कह रहा है कि दिस इज नॉट अ जावा स्टेटमेंट राइट सो एग्जाम्पल फोर डॉट जावा पे ओके okay, सो so, यहाँ पे नहीं आ रहा है बट द थिंग इज यू कैन सी अगर आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं ये कह रहा है कि इट के नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक ठीक है हम दिस को यूज़ करके पे ऐसे करके यूज नहीं कर सकते हैं एंड सपोज फॉर वी हैव क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर एक्साम्पल वीटेडक्टर अगर हम यहाँ यूज़ करके देखते हैं सो यू कैन सी का यहाँ पे हम इसको दिस को कॉल नहीं कर सकते हैं राइट सो इट कॉल टू दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी करेक्ट सो कंस्ट्रक्टर बॉडी भी हमारी होनी चाहिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा के अगर हम इसको

सो so, आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ही बनाना पड़ेगा दोस्तों लाइक एग्जाम्पल फोर का सपोज मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ करेक्ट दैट विल कंटेन सपोज इंटीजर वैल्यू इन टेफ सो देख सकते हैं कई यहाँ पे हमारा दिस की का अगर मैं यूज कर रहा हूँ सो दिस इज कम्प्लीटली वैलिड राइट सो द थिंग इज की जो हमारे स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं देखिए स्टार्टिंग मेथड्स यहाँ पे आप दिस का यूज तो कभी नहीं कर सकते मैं आपको दिखा चुका हूँ ना जब हम सुपर की बात कर रहे होते हैं सुपर डॉट नोटिफाई सपोज आपका नोटिफाई फंक्शन क्या होता है आपका नोटिफाई फंक्शन ईज़ फंक्शन ऑफ अस योर

एंड इसके अंदर सपोज मैं यहाँ पे इंट एफ एफ नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ करेक्ट सो लेटेस्ट सी आर वी एबल टू इफ वी एक्सटेंड दिस क्लास डी ओके नाउ लेटेस्ट सी कि हम यहाँ पे इसके वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हैं क्या ठीक है आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे सो इट सेज वही चीज कि सुपर uh, की सुपर के नॉट बी रेफरेंस अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट सो दिस इज व्हाट इट अगेन सो बेसिकली गाइज सुपर और दिस को आप किसी भी फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकते हो करेक्ट सो दिस दूसरा सिनेरियो वही चीज मैंने यहाँ पे रन करके देखी तो इट इज सेइंग द सेम थिंग इट इज नॉट अ स्टेटमेंट ठीक है ये वैलिड स्टेटमेंट ही नहीं है अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ एंड इफ यू ट्राई टू डू दिस इन नॉर्मल मेथड सो आप देख सकते हैं इस नॉर्मल मेथड में भी क्या बोल रहा है इट इज नॉट अ स्टेटमेंट अच्छा ठीक है हम यहाँ पे सुपर डॉट एफ एफ इसकी हम कुछ वैल्यू भी तो नहीं दे रहे ना राइट दैट्स सॉ सुपर डॉट एफ एफ इक्व थ्री देख सकते हैं इस यहाँ पे हमारी वैलिड स्टेटमेंट है मैं इसको दोबारा से आपको कॉपी करके ऊपर भी दिखा देता हूँ स्टार्टिंग मेथड में हम इसको यूज़ कर पा रहे कि नहीं नहीं सो यू कैन सी मेथड में हम इसको अभी भी यूज़ कर पा रहे ठीक है नॉर्मल मेथड में देखो नॉर्मल राइट सो या दिस इज थिंग इट इज स्टैटिक वेरिएबल सुपर के नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट करेक्ट सो सिमिलरली गाइस अगर मैं इसको यहाँ पे कॉमेंट करता हूँ

एक्चुअली हमने सिक्स भी कवर कर लिया है राइट नो हमने फाइव भी करें ओके सो वट आर स्टैटिक मेथड्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है सो वेन अ मेथड इज डिक्लेयड एज स्टैटिक की विथ स्टैटिक की वट इट इज कॉल्ड स्टैटिक मेथड ही मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी एंड मोस्ट कॉमन आपका एग्जाम्पल जो है स्टैटिक मेथड का वो है मेन मेथड अगर आपने ध्यान दिया, दिया वैसे सभी को पता होगा जब भी हम लिख रहे होते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन है ना पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक करके तो स्टैटिक इज इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इंटरव्यू में ये भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे

सो so, नोट लिखा हुआ है मैंने स्टैटिक मेथड इज कॉल्ड क्लास लेवल मेथड क्योंकि आपके स्टैटिक वेरिएबल्स वेरिएबल्स जब क्लास लेवल होते हैं तो ऑब्वियसली आपके स्टार्टिकेरिएवलिए मेथड मैथड भी बोला जाता so, है उनको करेक्ट सो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेथड्स डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक हैव जनरल जनरली आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कई बार पूछ सकते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं सो so लिमिटेशन क्या होते हैं डिस्कस करते हैं कि दे कैन ओनली कॉल

कैन ठीक no. so है हम नहीं कर सकते हैं, हैं तो पूछ है, है, सकते right? so so पूछा जाता है बार कि नॉर्मल मेथड जो है मेरा उसको हम इंस्टेंस मेथड भी बोल रहे होते हैं और स्टैटिक मेथड में अंतर क्या है यह बताइए ये एक अच्छा क्वेश्चन है सो गाइज स्टार्टिक मेथड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली इट इज डिक्लेयर यूजिंग स्टार्टिक कीवर्ड अगर हम नॉर्मल मेथड की बात करते हैं तो इसमें हमें कोई स्टार्टिक कीवर्ड लगाना नहीं पड़ता है तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस वेरी बेसिक डिफरेंस फिर हम स्टार्टिक मेथड्स की अगर बात कर रहे होते हैं सो so अगर हमें इन्हें एक्सेस करना होता है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती राइट वी कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस ऑल्सो तो हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे इसके एंड अगर हमें इंस्टेंस मेथड को कॉल करना होता है तो हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है ठीक है दिस इज द इनारियो सो टू एक्सेस स्टैटिक मैथड्स फी डू नॉट इंड एनी ऑब्जेक्ट्स हम डायरेक्टली भी उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड नॉर्मल मेथड्स की जो हम बात कर रहे होते हैं गाइज़ इट कैन एक्सेस ऑल दी एटीट्यूड्स की स्टैटिक वेरिएबल्स को भी ये एक्सेस कर पाते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन द मेथड इट सेल्फ स्टैटिक मेथड की जब हम बात देख रहे होते हैं तो ये सिर्फ स्टैटिक मैथड्स और स्टैटिक वेरेबल्स को ही कॉल कर सकते हैं राइट जिसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं नॉर्मल मेथड्स जो हमारे होते हैं गाइज लेकिन कॉल स्टैटिक मेथड्स बट जो स्टार्टिक मैथड है वो नॉर्मल मैथड को कॉल नहीं कर रहे होते हैं ठीक है तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बाकी डिक्लेन मैंने रखा हुआ है नॉर्मल सा एग्जाम्पल है इंटरव्यू में अगर आप लिख के बता रहे तो बता सकते हैं कि ये इसका सेंटे वन सो वन बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि जो आपके नॉर्मल मेथड्स है उसको हम ओवर कर सकते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट है नॉर्मल मेथड्स को आप ओवर कर सकते हो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बट आप स्टैटिक मेथड्स को ओवर नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते है? ये तो बहुत ही अलग अपने आप में ही एक अलग क्वेश्चन है कि वाई स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बी ओवर या फिर पूछ सकते हैं कि, कि हमारे स्टैटिक मेथड्स को हम ओवर कर सकते हैं राइट सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि हम आगे जाके अभी देख रहे होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट थिंग इज जो आपका नॉर्मल मेथड्स हैं उनके उसमें क्या यूज होता है उसमें हमारा रन टाइम कॉलिंग यूज होता है या फिर तो हम कह सकते हैं इट यूजेस डायनेमिक बाइंडिंग या फिर रन टाइम बाइंडिंग यूज कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि रन टाइम पे डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड आपका कॉल हो रहा होगा ठीक है वही चीज देखिए मैंने डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब ये कॉल इज रिजोल्ट एट द रन टाइम मतलब जो भी मेथड आपका कॉल होना है वो रन टाइम पे डिसाइड होगा कि अच्छा ये वाला कॉल होना है इसकी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इस तरीके से बट स्टार्टिंग में आपका उल्टा कॉन्सेप्ट है

सो दीज वर दी डिफेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये सारे डिफरेंसेज आप अच्छे से समझ लें इंटरव्यूअर अगर पूछता है तो उनको अच्छे से समझा दें वो इंप्रेस हो जाएंगे आपसे करेक्ट सो so वही मैंने लिखा हुआ है कंपाइल टाइम वर्ड्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अपने आगे के पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक में सीख रहे होंगे एंड फिर से मैंने एक चीज लिखी हुई है स्टैटिक मेथड्स आर बॉन्डेड यूजिंग स्टैटिक बाइंडिंग एट कंपाइल टाइम राइट ये ये जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट लिखा है एक ही बात है कि ये रिजॉल्व कंपाइल टाइम पे होती है वैल्यूज सो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है स्टैटिक बाइंडिंग इसमें होती है राइट right? कंपाइल टाइम बाइंडिंग अर्ली बाइंडिंग को हम स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल रहे होते हैं क्योंकि हम इसको डायनेमिक बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारी स्टैटिक बाइंडिंग हो जाएगी ठीक है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं ने बट यहाँ पे लिख देते हैं चलिए स्टैटिक बाइंडिंग भी आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मल हो गया नेक्स्ट सो कई बार आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप मेरे को स्टैटिक मेथड के फीचर्स बता सकते हो इस टाइप का भी आप एक सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है आपसे सो so, आप बोल सकते हैं कि देखिए काफ़ी सारी चीज़ आपको हो सकता है कि काफी सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं बट दिस इज व्हाट द कॉन्प्ट इज राइट मैंने काफी दो तीन बार लिखा हुआ है लाइक ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें रिवाइज भी होती जा रही है ना आपको सारी चीज़ें अच्छे से मतलब समझ में भी, भी आ रही है तो फीचर्स क्या हो सकते हैं कि स्टैटिक मेथड जो होता है हमारा इट इज अ पार्ट ऑफ क्लास नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग फिर एवरी इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हैजू एक्स यस तो जो स्टैटिक मेथड आपका होता है उसको हमारा हर इंस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसको एक्सेस कर सकता है ठीक है हर एक ऑब्जेक्ट को उसके उसका एक्सेस होता है स्टैटिक मेथड्स हैव टू टू एक्सेस दी क्लास वेरिएबल्स वेरिएबल्स दैट इज स्टैटिक ओनली ठीक है हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए स्टैटिक वेरिएबल्स को रेफर कर सकते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट है हमारा ये अगेन एंड स्टैटिक डेटा को ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एंड मेथड्स को एंड इट इज अनेबल टू एक्सेस द डेटा विच इज नॉट स्टैटिक ये हम ऑलरेडी एग्जांपल्स देख चुके हैं तो फीचर्स अगर पूछते हैं तो वही सारी चीजें आप नॉर्मली इंटरव्यूअर को बता सकते हैं सो so, देखिए अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था ओवर वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि हम स्टैटिक मेथड्स को ओवर नहीं कर सकते बट अगर ओवर की बात हो रही है तो यस ओवरलोडिंग पॉसिबल है ठीक है ओवरलोडिंग इज पॉसिबल बट ओवर राइडिंग पॉसिबल नहीं है कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है आपने इसका ध्यान रखना है कि ओवरलोड कर सकते हो सो वी कैन हैव टू और मोर स्टैटिक मेथड्स विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट इनपुट पैरामीटर्स ये मैंने रेड लाइन लिखी है ये इंपॉर्टेंट है आपके पैरामीटर्स हमेशा डिफरेंट होने चाहिए देखिए एग्जाम्पल टेन है यहाँ पे स्टैटिक मेथड है ये भी आपका स्टैटिक मेथड है यहाँ पे हमारा एक भी मतलब ये कोई वैल्यू नहीं ले रहा है यहाँ पे हमारा एक भी पैरामीटर नहीं है यहाँ पे हमारा एक पैरामीटर है दैट इज इंट ए करेक्ट तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल एग्जांपल टेन हम देखते हैं एग्जाम्पल टेन okay, एग्जांपल टेन सो so, ये रहा हमारा एग्जांपल टेन गाइस सो ओवरलोडिंग हम कर रहे हैं स्टैटिक मेथड्स की तो ओवरलोडिंग क्या होती है सेम नेम होना चाहिए देखिए सेम नेम है बस हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट है यहाँ पे एक है यहाँ पे जीरो है यहाँ पे चाहो तो आप एक और बना सकते हो जिसमें कि दो आपके पैरामीटर्स पैरामीटर् कॉपी मारते हैं इसे में पेस्ट करते हैं तो सिमिलर नेम है बस यहाँ पे हमारे वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए राइट फ्लोट सपोज एफ रख दिया मैंने तो फिर से ये कॉल हो जाएगा तो दिस इज वट इज़ ओवरलोडिंग नॉर्मली आपने यहाँ पे देखिए कॉल कैसे कर रहे हैं आप क्योंकि स्टार्टिंग मैथड एक क्लास नेम डॉट मेथड से भी आप कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो तो अपने फू को कॉल किया तो आउटपुट हो जाएगा टेस्ट फू कॉल्ड एंड अगर आप ये कॉल कर रहे हो तो आपका ये वाला आउटपुट आ जाएगा नॉर्मल सा नॉट दिस इज ओवरलोडिंग स्टार्टिंग मेथड्स इट इज पॉसिबल बस मुद्दा यह है कि इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि स्टार्टिक को आप ओवर कर सकते हो आप मना कर दोगे ओवरलोड कर सकते हो आप हाँ कर दोगे एंड ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए ले लिया तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी ओवरलोड मेथडिफर ओनली बाय स्टार्टिकट ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम क्वेश्चन है गाइज की अभी देखिए हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमारे जो स्टार्टिकार्टिक बनाए थे हमने हमारा एंड था एक वैल्यू और मतलब हमारे पैरामीटर डिफरेंट थे बेसिकली यहाँ पे हमारे पारामीटर सेम रहेंगे जो हमारा अगला एग्जाम्पल है देखिए पैरामीटर सेम है इसमें कोई पैरामीटर नहीं है फू में इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है फू में द एग्जाम्पल इज यहाँ पे हमने जो स्टैटिक डिफाइन किया है बस हम यहाँ स्टैटिक की नहीं लगा रहे हैं तो क्या ओवर राइडिंग मतलब ओवरलोडिंग मानी जाएगी द तो आंसर इज नो पे हमारी गड़बड़ हुई मैंने लिखा है नो एग्जाम्पल होने होने है, so, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर इलेवन सो कॉमेंट इसलिए किया सकते हैं कर नहीं सकते, हैं। कर नहीं सकते हैं, तो मतलब यहाँ पे कंपाइलिशन एडर आने वाली है सो so, मैं इसको हटा देता हूँ सो so, देख सकते हो गाई साहब कि ऑलरेडी रेड 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 दिखा रहा है सारा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ बल्कि मैं इसको रन करता हूँ रन करने से क्या होता है कि जो आपका आउटपुट है आपको ज्यादा मैं बड़ा दिखा पा रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे होवर करता हूँ तो आपको बहुत छोटा छोटा लिखा पा रहा है ठीक है फू इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर क्लास और नीचे भी करता हूँ तो ये भी कह रहा है कि इट इज ऑलरेडी डिफाइंड बट अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो मैं आपको यहाँ बड़ा बड़ा दिखा पाता हूँ इसलिए मैं इसको यहाँ रन करके दिखा रहा हूं कि दिस मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस क्लास तो एक जगह स्टैटिक यूज किया हुआ है दूसरी जगह स्टैटिक हटा दोगे सिमिलर टाइप के आर्ग्यूमेंट्स रखोगे तो एरर आएगी बट अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दूंगा तो ये हमारा कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा ठीक है कोई कम्पलेशन एरर नहीं आएगी सो so, ये आपका एग्जाम्पल था बाकी मैं इसको कॉमेंट कर देता हूँ ताकि एर हट जाए फिलहाल यस सो लेट्स मूव अहेड ठीक है yes. so, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल था आपका इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वाला क्वेश्चन दरअसल मैंने इसको कवर किया है कि अगर हम स्टार्टिंग हटा दें तो क्या ये ओवरलोडिंग हो सकती है फिर ओवरलोडिंग नहीं हो सकती है देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का स्टार्टिंग मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको कि हम क्या ओवर कर सकते हैं स्टार्टिंग मेथड्स को नहीं कर सकते हैं ठीक है इट के नॉट बी डन दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो क्यों शॉर्ट में रीजन अगर मैं कहूँ इट इज ओनली बिकॉज क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग मेथड्स है उनके लिए हमारी कंपाइल टाइम कॉलिंग होता है फिर कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो रही होती है इसका मतलब क्या है कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो रहा होता है कि कौन सा मेथड कॉल होने वाला है दैट इज द रीजन या फिर इसको हम और अच्छे से समझाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं वी के नॉट ओवर राइड स्टार्टिंग मेथड बिकॉज इडिंग right? के लिए आपको डायनेमिक बाइंडिंग होती है बट स्टार्टिक जो आपके मतलब मेथड्स uh, होते हैं उसमें आपकी डायनेमिक बाइंडिंग ना होकर स्टार्टिक बाइंडिंग होती है ये पॉसिबल नहीं होता सो वी कैनॉट ओवर राइट स्टैटिक मेथड्स दिस इज द ओनली रीजन या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो जैसे मैंने बीच में लिखा हुआ है वी कैन डिक्लेयर स्टैटिक मेथड्स विद द सेम सिग्नेचर इन दि सब क्लास बट इट इज नॉट कंसिडर्ड ओवर राइडिंग इसको हम ओवर हाइडिंग नॉट ओवर हाइडिंग नॉर्मल हाइडिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं तो मैं आपको एक्जाम्पल के थ्रू भी वो दिखाने वाला हूँ एज देर बी एनी रन टाइम पॉलिंग सिंपल सा मुद्दा ये है क्योंकि हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमारा आंसर नो है क्योंकि स्टैटिक में आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा होता है ओके सो नाउ लेट्स मूव अहेड सो लेट्स सी एग्जांपल 2 12.java ठीक है उसी का एग्जांपल मैंने यहां पे लेकर के रखा हुआ है सो so इसको हम क्लास में लिख रहे हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल टो इसको मैं यहां पे करता हूँ कट बाकी आपको ये विजिबिलिटी एरिया ज्यादा बढ़े सो इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको शॉर्ट में मतलब आपको छोटा दिख रहा हुआ बाकी मैं इसको जूम कर दूंगा अभी सो एक क्लास बनाई है बेस एक है डिराइव और एक है नॉर्मल क्लास जिसमें हम मेन मेथड कॉल कर रहे हैं उसलिए जूम करते हैं थोड़ा सा इसको करते हैं मिनिमाइज ताकि आपको थोड़ा अच्छे से कॉमेंट्स भी दिख पाएं तो देखिए गाइज जावा प्रोग्राम टू शो इफ स्टैटिक मेथड इज रीडिफाइंड बाय अ डिराइव्ड क्लास देन इट इज़ नॉट ओवर इसको हम ओवर नहीं बोलेंगे राइट right? अगर हम दोबारा से डिराइव uh, क्लास में मतलब चाइल्ड क्लास में इसको मेथड को दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं तो इसको हम ओवर नहीं बोलते हैं जनरली मतलब ओवर राइडिंग यही होती है ना कि एक मेथड है हम उसको दोबारा से बेस मतलब अपनी जो क्लास है उसमें डिफाइन कर रहे हैं एग्जाम्पल देखिए यहाँ स्टार्टिंग मेथड है यही हमने पब्लिक स्टैटिक वाइट डिस्प्ले लिया यहाँ भी पब्लिक स्टैटिक वाइट डिस्प्ले लिया है नॉर्मल अगर हमारा सिनेरियो होता है विदाउट स्टैटिक अगर मैं स्टैटिक हटा तो देखिए यहाँ पे एक सेकंड के लिए तो देख सकते हो यहाँ पे ये यह भी डिस्प्ले में कलर कलरफुल हो गया मतलब हम इसको कॉल कर सकते हैं सो दिस इज मतलब ओवर वाला कॉन्सेट बट अगर मैं यहाँ स्टैटिक लगा दे रहा हूँ राइट सो दिस इज ओवर का भी एक्साम्पल दिखा रहे हैं और हिडन का भी एक्साम्पल दिखा रहे हैं तो पब्लिक वर्ड प्रिंट है यहाँ पे पब्लिक वर्ड प्रिंट लिया हुआ तो ये हमारा ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया ठीक है डिराइव क्लास ने एक्सटेंड किया है ना उपलब्ध को तो, चाइल्ड क्लास हो गई

ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है सो लेटेस्ट मूव हेड फिर हम कॉल कर रहे हैं ओबीजे वन अब देखिए फिर आप कॉल किया हमने कहा डिस्प्ले कॉल करो तो डिस्प्ले कॉल करें तो जनरली क्या होना चाहिए कि ये कॉल होना चाहिए बट यहाँ पे ये कॉल नहीं होगा उल्टा हमारा क्या होगा कि जो बेस का डिस्प्ले है गाइस ये ये कॉल होगा सो so, आउटपुट आएगा आपका स्टैटिक और क्लास मेथड फ्रॉम बेस मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ

रेफरेंस वेरियबल बेस का था बट ऑब्जेक्ट तो डिराइव का था ना तो जनरली क्या डिराइव का ही मैथड डिस्प्ले कॉल होना चाहिए था मतलब हमारा कॉल तो डिस्प्ले होना चाहिए था बट डिस्प्ले कॉल ना होकर के हमारा बेस क्लास का डिस्प्ले ऊपर वाले क्लास का डिस्प्ले कॉल्ड हो रहा है पेरेंट क्लास का सो इसी को हम अपना ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग वेरेबल यूज किया हुआ एंड वाइस को हम बोलते हैं हाइडिंग कांसेप्ट राइट सो दिस वॉज एट अबाउट द एग्जाम्पल एंड दिस वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल आई कैन से लोग कोई वाला यहाँ पे लोग गड़बड़ कर देते हैं ठीक है हाइडिंग का कांसेप्ट कुछ कई बार हो सकता है एग्जाम्पल इंटरव्यू और आपको ये क्वेश्चन देते बोले इसका आउटपुट बताओ तो बच्चे जनरली ऊपर वाला आउटपुट के बदले नीचे वाला बता रहे होते हैं कि डिस्प्ले की वैल्यू तो ये कॉल होगी सर बट ये ट्रूथ नहीं है ठीक है ये एग्जाम्पल हमने देख लिया एग्जाम्पल ट्वेल्व ये हम देख चुके हैं एंड फिर से मैंने एक बहुत शॉर्ट में लिखा है कि स्टार्टिंग मेथड को ओवर कर सकते हो ओवर नहीं कर सकते हो ओवरलोड ही कर सकते हो ऊपर हम एग्जाम्पल देख चुके हैं बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैंने शॉर्ट में फिर से दोबारा से रिपीट कर दी चीज़